चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर कैसे भारत समेत दुनिया के बड़े बड़े देशों को चिंता में डाल दिया है। चीन ने पिछले वर्ष की तुलना में इस साल के अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की है और अब उसका कुल रक्षा बजट भारतीय रुपयों में 19,14,000 करोड़ रुपए हो गया है और अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है चीन का। अमेरिका का रक्षा बजट है 73,44,000 करोड़ रुपए का, चीन का रक्षा बजट है 19,14,000 करोड़ रुपए का, जो नंबर दो पर है। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट रशिया का है जो 12,00,000 करोड़ रुपए का है, जबकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट हमारे देश भारत का है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का रक्षा बजट 6,21,000 करोड़ रुपए है और भारत और चीन के रक्षा बजट में अभी भी लगभग 13,00,000 करोड़ रुपए का अंतर है। जबकि एक बड़ी बात यह है कि भारत का रक्षा बजट चीन के मुकाबले भले ही कम है, लेकिन चीन की तुलना में भारत ने अपने रक्षा बजट का तेजी से हाल ही के दिनों में विस्तार किया है। चीन अपने रक्षा बजट में हर साल औसतन 6.5% की वृद्धि कर रहा है, जबकि भारत रक्षा बजट में औसतन 9% से ज्यादा की वृद्धि कर रहा है और इस साल भारत ने अपना रक्षा बजट में 6.2% की वृद्धि की है, जबकि पिछले साल 13% की वृद्धि हमने की थी, इस बार पिछले साल के मुकाबले कम की है। इसके अलावा 2014 से अब तक भारत के रक्षा बजट में 171% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 2014 और 15 में भारत का रक्षा बजट 2,29,000 करोड़ था और अब यह बढ़कर 6,21,000 करोड़ रुपए हो चुका है। हालांकि यहां चीन के मामले में चिंता वाली बात यह है कि चीन अपने रक्षा बजट को लेकर कभी भी सही जानकारी नहीं देता और वो अक्सर अपना जितना रक्षा बजट बताता है उससे कहीं ज्यादा पैसा वो अपनी सेना और हथियारों पर खर्च करता है। 2021 में चीन ने बताया था कि उसका रक्षा बजट 17,10,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन बाद में पता चला कि चीन ने इस दौरान अपनी सेना पर असल में 24,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे।